गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड अवर फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द राइटर इज खुशवंत सिंह। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, तो एवरी स्टूडेंट शुड बी लिसन टू कंसंट्रेट। So it's our third class today. So we have start from that point when I went up to university. You know, हमने last time पढ़ा था कि starting में जो खुशवंत सिंह थे वो किस तरह से पहले अपनी दादी और अपना relation दिखाते हैं। पहले अपनी दादी का जो physical appearance उसको बताते हैं कि वो ऐसे बूढ़ी थी, उसके face पर ये पूरे face के ऊपर wrinkles पड़ी हुई थी। किस तरह से फिर वो बताता है कि हम दोनों गाँव के school में जाते थे और किस तरह से हम डॉग को खाना खिलाते थे, मेरी दादी मुझे कैसे तैयार करती थी, मेरी दादी मेरे साथ जाकर वहाँ पर मंदिर में क्या करती थी। तो उसके बाद में फिर वो वहाँ से, उसके जो पेरेंट्स थे वो शहर में सेटल्ड हो गए थे, तो उन्होंने उनको भी बुला लिया। एंड देन नेक्स्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया, तो उसकी जो दादी थी वो उससे अब कम मिलती थी, क्योंकि दादी जो थी वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा म्यूजिक सीखे, इंग्लिश पढ़े, वो चाहती थी कि वो धार्मिक किताबें पढ़े। तो आज हम रीड करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए बेटा, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, राइटर कह रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब तक वो दादी के साथ रहता था, दोनों सेम रूम शेयर करते थे, बट नाउ व्हेन आई वॉज ज्वाइन द यूनिवर्सिटी देन आई हैव गिवन ए सेपरेट रूम। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, टूट गया, यानी अब जो हमारी दोस्ती का जो कॉमन फ्रेंडशिप थी वो अब टूट गई। My grandmother accepted her seclusions with the resignations. अब जो मेरी दादी थी उसने अपना एकांत जो वास वो शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो कह रहा कि जो चरखा काटती थी वो बैठे बैठे, वो मुश्किल से ही उसको कभी कभी छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, अदरवाइज वो अकेली बैठे अपने वो चरखा काटती रहती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सुबह से लेके शाम तक, दिन निकलने से लेकर दिन छिपने तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपनी चरखे पर बैठी रहती थी और अपनी जो प्रेयर थी उसको गुनगुनाती थी। रिसाइटिंग मतलब सुनाना, गुनगुनाना या रिकॉल, याद करना, उसको दोहराना बार बार। Only in the afternoon, केवल दोपहर के समय में, she relaxed for a while to feed the sparrows, केवल दोपहर के समय में वो थोड़ी सी रिलैक्स करती थी जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। Sparrows, feed the sparrows, चिड़ियाओं को जब वो खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, जब वो बरामदे में बैठ जाती थी तो जो रोटी था उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ती थी। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स, हजारों छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड राउंड हर हेयर, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेड लैम ऑफ चर्पिंग्स, वो कह रहा कि वो चींची करके शोर मचाती थी और कुछ इस तरह से एक अजीब सा वो एटमोसफेयर क्रिएट करती थी वहाँ पर। सम कैम एंड फर्स्ट ऑन हर लेग्स एंड अदर ऑन हर शोल्डर्स, वो कह रहे कि कुछ आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी और कुछ चिड़ियाँ छोटी छोटी उनके चार और इकट्ठा हो जाती थी और चीची करके शोर मचाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके हेड पर बैठ जाती थी, सर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल, वो मुस्कुराती, हंसी देती, बट नेवर शूट देम अवे, पर उन पर वो कभी नहीं चिल्लाई, कभी वो गुस्से नहीं हुई उनके ऊपर। It used to be the happiest half hour of the day for her. उसके लिए पूरा दिन में वो जो आधा घंटा था वो सबसे खुशहाल था, उसके लिए सबसे खुश करने वाला उसके लिए था वो।
व्हेन आई डिसाइड गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, और जब मैंने विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी जी ये बात सुनकर अपसेट हो जाएगी, उदास हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उससे 5 साल के लिए अलग जा रहा था, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र के हिसाब से कोई नहीं कह सकता था उसके बारे में, बट माई ग्रांड मदर कुड, पर मेरी दादी माँ ने ऐसा किया, यानी उसकी उम्र के हिसाब से हमें लग रहा था कि वो हमें, मैं 5 साल बाद रिटर्न होऊंगा तो आई थिंक कि मैं अपनी दादी से नहीं मिल पाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ, दादी जीवित रही। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ना कुछ उदास हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस, पर वो उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की और ना ही उन्होंने कोई ऐसा इमोशन शो किया कि जिसे देखकर मुझे दुख पहुंचे। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वो प्रेयर में चल रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था वो पूरी तरह से उस प्रेयर में खो जाता था। हर फिंगर्स वर बिजी, फिंगर्स ये उंगलियां बिजी थी, जैसे हम तस्बीहां पढ़ते हैं ना इस तरह से, उसकी फिंगर जो थी वो बिजी थी टेलिंग करने में, यानी उस माला जपने में, द बीड्स ऑफ द हर रोजेरी, वो जिसकी जो माला थी उसको फेरने में लगी हुई थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उसने मेरे फोरहेड, बोलते हैं हम इसको माथा, ये होता है, ये हेड होता है, ये फोरहेड होता है माथा, जैसे हम प्यार में किसी के इस फोरहेड को किस करते हैं, तो उसने मेरे इस फोरहेड को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चीयर्स द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट शाइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, बहुत बड़ी बात कही, वो कह रहा है कि उसकी उंगलियां अपनी, जब उसने मुझे चूमा तो मुझे, मैं और वहाँ से जब मैं चल गया तो मैंने उस गीले छाप को अपने शरीर के संपर्क के अंतिम दर्शन समझा, कि शायद उसका अंतिम दर्शन था जो मुझे टच हुआ, और मैंने उसको निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाल कर रख लिया। ठीक है, तो बेटा आज के लिए वीडियो में इतना ही, कल हम जूम पर मिलेंगे, कल हम जूम पर क्लास लेंगे, आज मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो एवरी स्टूडेंट शुड बी कनेक्टेड ऑन द जूम ऐप। ठीक है, एनी स्टूडेंट्स हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ आस्क मी ऑन द जूम ऐप, या यू कैन सेंड मी ए मैसेज व्हेन वी आर टेकिंग योर क्लास इन द जूम ऐप, देन इन द साइड यू हैव ऑप्शन, तो आप उस ऑप्शन का यूज़ करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू।